भारत में फाइनेंशियल ईयर पीरियड 31 मार्च तक खत्म होता है, किंतु कोरोना वायरस के कहर के चलते अब इस पीरियड को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है और इस महीने में कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश परेशान है। इस बीच सरकार से आम जनता के लिए राहत की खबर मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटी रिटर्न की सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इस पर ब्याज दर में भी कमी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी।